इनमें से अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर कोस्ट पे, ठीक है, एक अभियान किया था, इनमें से कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, ये है कौन? चलिए इसके बारे में बात कर सकते हैं इस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 में हुआ था। आप देख सकते हो इनको फॉर्मली राजा जी या सी आर के नाम से जानते थे। और ये मतलब इनको देखा जाए तो एक राइटर भी थे, लॉयर भी थे, इवन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। एक ऐसा इंसान ना जिनकी बात जितनी भी करे इनके लिए कम हो, ये लाइफ में इतनी पोजीशन में थे। चलिए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। और एक बात बोल देती हूँ कि इनको भारत रत्न भी मिला है, आप देख सकते हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ड्यूरेशन टाइमिंग भी देख सकते हो, 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। और यहाँ भी देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भी थे, इनकी टाइमिंग देख लो, और मिनिस्टर ऑफ एडुकेशन भी थे। यहाँ भी देख सकते हो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये भी देख सकते हो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट के थे। एक इंसान इतना पोजीशन में था तो एक कितना पावरफुल पर्सन होगा, कैन यू सी दैट? इनको तब ना इनको भारत रत्न मिला, ठीक है। ये तो मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है, जस्ट उसमें कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। चलो ये ज़्यादा मोटिवेशन स्पीच हो जाएगा, आप इसके टाइमिंग देख लो, इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया। और इनके पांच चाइल्ड थे, उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्या है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो इसके लिए मैं एक बायोग्राफी बना सकती हूँ, यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट पॉइंट यहाँ पे एक बार रीड कर लो। आप राइटिंग कैरियर में भी देख सकते हो इनको क्या अवार्ड मिला है, ये भी देख सकते हो, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भी है, एक बार रीड करते भी जाना, सिर्फ सुनना मत, ठीक है। चलो तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस मराठा स्टेट मैन ने 31 दिसंबर 1802 को ट्रीटी ऑफ बायसन साइन किया था, ठीक है। इनमें से कौन हो जाएगा, इनमें से इसका आंसर ए हो जाएगा, बाजीराव 2। जब बाजीराव 2 की बात करें तो उससे पहले आप देख सकते हो ट्रीटी कब साइन किया गया था, 31 दिसंबर 1802, और ये मराठा पेशवा और पूना, या अभी जो पुणे में है, ठीक है। चलो आप ये भी देख सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव 2 के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हो 13 पेशवा ऑफ मराठा थे, और ये लास्ट पेशवा भी थे। और इसका लाइफ की टाइमिंग भी देख सकते हो, दिसंबर 6, 1796 से जून 3, 1818 तक इनका लाइफ टाइम था। और जो इम्पोर्टेंट है एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे, एंड नाउ इनमें से चेयरमैन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन कौन हैं? जब 14 फाइनेंस कमीशन की बात आया तो फाइनेंस कमीशन कब बना था पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पे देख सकते हो 22 नवंबर 1951 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था, उस टाइम आपके लॉ मिनिस्टर थे। और ये किसके अंडर, किस किस आर्टिकल्स के अंदर आता था आप यहाँ पे एक बार देख लो, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर 280 आर्टिकल्स के अंदर आता है। प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि ये आपका फाइनेंस किसी को भी फाइनेंस कमीशन बना सकता है, इतना पावर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देख सकते हो कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे, KC, ठीक है। और यहाँ टाइमिंग भी देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि अभी हमारे एन के सिंह हैं, ठीक है। और 14 कौन थे, UB रेड्डी। जब UB रेड्डी की बात आया तो हम लोग, आप देख सकते हो UB रेड्डी कौन है, ठीक है। और 2 जनवरी 2013 में इनको अपॉइंट किया गया था, और जो इन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था आर्टिकल 280 के अंदर, ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हो इनका जन्म 17 अगस्त 1941 में हुआ था, और ये 1964 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। और इससे पहले ये
डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, और उसके बाद 21st गवर्नर ऑफ आरबीआई भी थे। इनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2010 में। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, आप देख लो ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हो इनको बहुत सारा अवार्ड मिला था, और इनके लाइफ में आप इंटरेस्टेड हो तो इसे आप एक बार पढ़ लो ठीक है। और तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तब मेरा आंसर सी हो जाएगा, वाई भी रेडी। नाउ नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे है, मेरा इसका नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना था ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो उत्तराखंड के आपका गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक बार देख लो। और हम नंदा देवी की बात करें तो ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इंडिया है ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि 23rd हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड है ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे देख सकते हो कि नंदा देवी से हम बात कर रहे हैं, और नंदा देवी नेशनल पार्क एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, 1982 में बना था। और यहाँ पे देख सकते हो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, और यहाँ पे देख सकते हो 7816 मीटर उसका हाइट है नंदा देवी का ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो नंदा देवी नेशनल पार्क ठीक है, आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, कब किया था, 1988 में घोषित किया था। और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है देख लो। और यहाँ भी देख सकते हो, और यहाँ पे इसका हाइट भी देख सकते हो कितना फीट है, 25,643 फीट है, और इसका मीटर 7,816 फीट है, और वर्ल्ड में 23rd रैंक आता है नंदा देवी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ठीक है। चलो आगे, एंड नाउ UNSC का फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। UN आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ठीक है। ये कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 में बना था ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और यहाँ देख सकते हो ये फर्स्ट सेक्शन, इसका फर्स्ट सेक्शन कब हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो 17 जनवरी 1946 में इसका फर्स्ट सेक्शन हुआ था। और ये कब बना था, ये जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ था तब। ये 15 कंट्री कौन कौन इसके मेंबर है ठीक है, देख लो। एंड नाउ आप इसकी बात करें तो आप इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा ठीक है। मेरा फेवरेट सेक्शन, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कुछ भी डाउट हो ना प्लीज़ कमेंट करो। चलो बाय।